अब बात करेंगे पन्ना की, जहां इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरदीप नारायण यादव का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नामांकन फॉर्म जमा करते समय मीरदीप नारायण यादव द्वारा वोटर लिस्ट की पुरानी कॉपी संलग्न की गई थी, जो फॉर्म भरने की त्रुटि में आता है और फॉर्म में एक जगह हस्ताक्षर भी नहीं होने की बात सामने आई है। इसी कारण उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि यह भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और खुजराहो से भाजपा प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। पहले से भी ऐसा लग रहा था कि विष्णुदत्त शर्मा ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, क्योंकि यह सीट कांग्रेस समाजवादी पार्टी को गठबंधन में दी गई थी, जिसका जनाधार बिल्कुल नहीं है। लेकिन फॉर्म निरस्त होना ही वॉकओवर साबित हो गया है। साथ में बहुजन और अन्य प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा के मुकाबले ना के बराबर साबित होंगे। लेकिन मीरा यादव के पति दीप नारायण यादव ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर उनका नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने मामले को लेकर हाई और सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही है। अबोस, इस वाले चुनाव में आप नहीं दिख रहे हो। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंधित की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह दो जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको कम वो ख़राब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो क्या फार्म रिजेक्ट कर दिया? अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो बोलते भाई आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने इन 2 बजे से। मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े सभी की, मैं कलेक्टर साहब की, कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते।